4000 फुट है। अच्छा, पैसे के पीछे भी है ना? पैसे के पीछे हाँ, पर्दे के बाहर जा रहा है, सामान है, अपना सामान है। हाँ तो वो भी जमा कर देना। ओहो, उस दीवार से इस दीवार तक 100 फुट। ओके, 100x40। हाँ, ये टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं। इसके ऊपर क्या है? ऊपर रूम है, रूम से। अच्छा, ये मतलब क्या आरसीसी है, क्या है? आरसीसी में ये अपना लोड बेरिंग, लोड बेरिंग है। ओके सर, आइए इधर आइए, ये दूसरा हॉल है। ओके, गणपति का सजावट के लिए काम किया। ओके, इसके ऊपर भी वही रूफ है? नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके ऊपर पतरा है। अच्छा, इसके ऊपर पतरा है और उसके ऊपर दीवार है, स्लैब है। ओके, ये 3000। ये 3000 है, ये 3500 फुट, मतलब 3200। ओके, ऐसा 80 फुट है, ऐसा 40 फुट है। ओके, है ना वहाँ पे, है ना वो अपन जहाँ गए थे ना, वहीं पर ही है। अच्छा, ब्राइड और ग्रूम का भी रूम है अलग? ये मेन गेट है, खोलो दरवाजा, डायरेक्ट रोड के ऊपर गया। अच्छा, ये सीधा रोड आ गया। हाँ, बाहर भी जाओ, बाहर जाके देखो। कोई नहीं सर, हम तो बाहर अच्छे से निकालेंगे। ये पार्किंग एरिया भी हो गया है ना? किचन वगैरह सब आपका ऊपर हो जाएगा। हाँ, बंद करो, लकड़ी लगाओ उसको। ये एसी वाला है सर? एसी लगाने का है। ओके, ये एसी होने का है, एसी लगाने का है, थोड़ा काम करने का है। अच्छा, कब करेंगे? सब दिखाएंगे, जो है वो दिखाएंगे आप। जी सर, मैं टॉर्च चलाता हूँ सर। मैं उसको लगाने का बोला था आदमी को। अरे मेरी बैटरी, उसने फिर अभी एक पार्टी आया था, उसको दिखा रहा था। अच्छा, तो मैं उसको बोला लाइट निकालो मत, शांति से। हाँ बेटा, अभी मैं आ गया। अब एक मिनट, टॉर्च, ये रूम है। ओके, ये रूम अंदर पांच रूम और ये सब है। जा जा आगे जा। कितने रूम है सर टोटल? 10। 10 रूम है इसके सामने, ये है। मतलब ये कंप्लीटली मैरिज बैठ सकती है इसमें। अभी गणपति में ध्यान गया तो इधर ध्यान नहीं गया। ऐसा सब 10 रूम है। ओके,
ये किचन एरिया है, ये किचन एरिया है। अच्छा ये है, हाँ इतना तो कम से कम चाहिए किचन, बराबर है। ओके और वाटर कैसा है, पानी और इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी और पानी है। हाँ मीटर मतलब थ्री फेज है, कैसा है इलेक्ट्रिसिटी का? एसी 150 का है, 150 का, 150 वायर उसका 150 का है। बिल्डिंग को लगाए थे ना आप, हाँ हाँ बड़ी बिल्डिंग को, इतना ज़्यादा है मतलब 150 का। और फेस में सिंगल फेस है डबल फेस है? फेस सिंगल कैसा रहेगा, इतना बड़ा रहेगा तो 10 मीटर मेरा थ्री फेस का है। ओके थ्री फेस का दुकान है उधर मेरा, जी जी उधर दुकान है जी जी जी। वो सब में थ्री फेस ही लगता है। अच्छा ओके सर, नहीं तो नहीं जमता है घर में, सिंगल फेस, सिंगल फेस। और दुकान छोटा या बड़ा? बड़ा, उसको कमर्शियल ही लगेगा। हाँ नहीं क्योंकि मतलब अलग अलग मीटर हो तो फिर कम लोड के हिसाब से हो सकता है, वो सोच रहा था। और उतना ही जो कोई कल लेगा उसको ज्यादा बड़ा मीटर मांगता है तो भी मिल सकता है, इसके लिए 150 का केबल लेके रखा है। और पानी का कैसा है? पानी का अभी पानी है, और जब कोई आएगा तो कमर्शियल सवा का मिल सकता है, सवा इंच का, वो सब करके रखा है। अभी कितना स्टोरेज कितना है अपना वाटर का? अभी 12,000 लीटर रहता है। अच्छा 12,000 लीटर रहता है मेरे टाकी में। ओके तो दत्त जयंती में कम से कम 25-30 हजार लोगों के ज्यादा लोग खाना खाते हैं। अच्छा तो सामान है, सब सामान बड़ा है, एक दो रूम थोड़ा काम करने का। ये देखा है, ये सब माल मजा है। सी